नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक खबर दिखाने आओ तो 10 खबरें जो है तैयार बैठी है, क्योंकि गुरुग्राम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और जिसको सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी हम मनोहर नगर की गली नंबर 1 में खड़े हैं, जहां पर जो है स्थिति आप देख सकते हैं मेरे सामने। यहां पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। भाई, ये क्यों ढका क्यों हुआ है? मैम, इसका ढक्कन टूट गया था, हमने कंप्लेंट कई दफे डाल ली है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या स्थिति है, एक बार दिखाएंगे? यहाँ पर देखिए, आप लाइव स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके से मौत के खड्डे अगर सदर बाजार में है तो वो यहाँ पर भी मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, क्या मनोहर सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? जी, ये कब से है ये स्थिति? ये 1 महीने से ज्यादा हो गया इसको समय। जी, 1 महीने ज्यादा समय हो चुका है इसको, और कंप्लेन डाल चुके हम, और कंप्लेंट गए, मेरे फोन में भी कंप्लेंट है, इसमें कई चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारे वहाँ बंदे आए थे हमारे को करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए इसके लिए, लेकिन वो बोले हमारे पास ढक्कन ही नहीं है। जी, ढक्कन है ही नहीं, ढक्कन है ही नहीं जी। फिर हमने इसको ऐसे ढक दिया जी। पार्षद कौन है आपके? पार्षद हमारे है यशपाल बत्रा जी की, मधु बत्रा। मधु बत्रा जी, जी जी जी। पानी के लिए गए थे हम एक बार। कहाँ गए थे? पार्षद के पास। कौन से पार्षद? अब ना पता इनका कौन है, ये लड़के गए थे। देखो मैं बताऊँ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? मनोहर नगर जानते ही नहीं। मनोहर नगर को जानते ही नहीं है? कितनी आबादी है यहाँ पर? इतने आबादी देख लो, कितने लोग हैं? कई हजार लोग हैं यहाँ। तो यहाँ इसकी सुनाई कोई नहीं करता, मनोहर नगर की। जम्मू कहते लोग मनोहर नगर को जानते ही नहीं है, तो वोट लेने के क्यों आते हैं फिर यहाँ? है ना जी। तो हमारे बहुत बुरी समस्या, पानी अगर आपको दिखा देना तो लैट्रिन में नहीं डाल सकते आप पानी को, इतना गंदा पानी आता हमारे पास जी। आप क्या कहेंगे, आप यही के रहने वाले हैं? मैडम जी, यहाँ पे क्या है, मनोहर नगर में समस्याओं का बहुत ज्यादा अंबार है। अंबार तो क्या है, पूरे मेन रोड पे भी आप देखोगे, अभी 3-4 महीने पहले ये अमित गोला जी के घर के सामने एक शिविर मेन रोड पे खराब हो गया था, बिल्कुल डैमेज हो गया था। गाड़ी मेरे सामने आती, रोडवेज गाड़ी नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी थी, अपना जो झज्जर वाली चलती बस, और मैं वहीं पे खड़ा था, जस्ट मेरे पैर के सामने से गाड़ी गई है और बिल्कुल वो गाड़ी का पहिया उसमें धस जाता, हम भी बच गए थे उस समय। लेकिन इस सरकार में कोई भी शिविर खराब हो जाए, कोई सड़क टूट जाए, पानी की लाइन टूट जाए और शिविर का कनेक्शन टूट जाए, या शिविर में जो भी सफाई है, सफाई करने का कोई नाम नहीं है। हम वहाँ गए थे, अभी उन्होंने आश्वासन दिया था, परसों गए थे हम अपना MCG ऑफिस, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 90 लाख का बजट तुम्हारा पास हो गया और ये तुम्हारा ढक्कन वगैरह शिविर की सफाई वगैरह हो जाएगी। लेकिन क्यों का त्यों समस्या है, समस्या हमारे यहाँ सोल्व नहीं हो रही कोई भी। हम बार बार ये कहते हैं सरकार से, कोई काम तो करे, हमारी जहाँ पे हेल्प ली जाए, जो मदद कर सकता है इंसान, अपने मोहल्ले वाइज जाए, गली वाइज जाए, वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन काम तो करेगा कौन? सरकार करवाई काम, अधिकारी काम कराएंगे, जो कर्मचारी उनसे काम लो, अधिकारियों को फर्ज है ना, उनसे काम लेना, काम तो वही लोग करेंगे ना भाई। क्या स्थिति क्या है, क्या परेशानी है यहाँ पर? पानी के बारे में बिल्कुल परेशान है। पानी कैसा, पीने वाला पानी नहीं आ रहा? बिल्कुल गंदा पानी है, सीवर का मिक्स होकर आ रहा, अगर पैप खोल दी जाए तो सारे गर्म बदबू फैल जाएगी जी। तो कोई नहीं ध्यान देता इस पर? कोई ध्यान नहीं देता है। पार्षद कौन है? बहुत दिन हो गए परेशान होते। नहीं, पार्षद कौन है आपके यहाँ पर? थोड़ा आगे आ जाइए, गाड़ी निकल जाए ताकि जी। पार्षद की अगर बात की जाए तो आधे लोगों को जो है यहाँ के पार्षद पता ही नहीं है, और जिस तरीके से इनका कहना है कि बार बार ये बोला जा रहा है कि कोई मतलब ही नहीं है किसी को कि मनोहर नगर क्या है, कहाँ पर है, कितनी आबादी है, किसी का ध्यान नहीं है इस ओर, जो आम जनता का कहना है। डावर साहब, आपसे पूछकर जो है इसका खत्म करना चाहेंगे हम ये, कि क्या स्थिति क्या है, क्या कहना चाहेंगे, ये हालात है गुरुग्राम के और लोगों की सुनवाई नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये सीवर का गड्ढा नहीं है, ये भ्रष्टाचार का गड्ढा है। आप किसी भी गली में चले जाओ गुड़गांव की, लोग आज आक्रोश से भरे पड़े हैं। मैं कहता हूँ कि जिस पार्षद ने वोट लिया, एक छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम, आप करोड़ों रुपए के टेंडर पास कराते हो एक ढक्कन के लिए 1 महीना, ये कैसी व्यवस्था है? 1 महीना हो गया एक ढक्कन लगवाने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ किस मुंह से पार्षद यहाँ पे वोट मांग लेंगे, ये बेईमानी है जनता के साथ। एक मतलब 1 महीना हो गया ढक्कन लगवाने के लिए, तो क्या काम करेंगे? तो आप देखिए, कहीं ना कहीं सुध लीजिए। अभी रोहित मदान है, इन्होंने मेरे सामने सुपरवाइजर को फोन किया, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ढक्कन ही नहीं है। अरे सरकार के पास ढक्कन नहीं है? अरे पार्षद जी, आपके जो भी पार्षद है, या धर्मवीर जी है, या यशपाल जी बत्रा का एरिया कुछ लगता है, मैं कह रहा हूँ एक इंसानियत के नाते ढक्कन लगवाना कोई बड़ी बात है? मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, आज इस समय से लेके कल तक यहाँ पर ढक्कन आपको लगा मिलेगा, चाहे मैं अपने निजी कोच से लगाऊं, यहाँ पे ढक्कन लगा मिलेगा आपको। लेकिन ये व्यवस्था गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मैं फिर कहता हूँ, आदमी बसते हैं, जानवर नहीं बस रहे।
आप क्या हालात कर रहे हो? कोई पीने का पानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, एक ढक्कन के लिए साले तरस रहे हम, क्या बात कर रहे हो? कोई बच्चा गिर जाए कहाँ तक, किस चीज को संभालेंगे? तो ये कहीं ना कहीं आप देखो, इनको संभालना चाहिए, सबसे जरूरी पार्षद का काम है ये। तो मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि संज्ञान लेनी, तो कल सुबह तक इस ढक्कन को हम लगवा के जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति है ये आप देख रहे हैं जी, ये पानी है घर से मैंने लिया है और इसमें इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ लोगों का मतलब वो कैसे यूज करते होंगे पानी, इतनी परेशानी है लोगों को जी। तो फिर भी कुछ साफ है तो ये पार्षद जो है जी, ये लोग कहते हैं अब तो फिर भी कुछ है, 3 दिन पहले आप देख लो ना, इतना गंदा पानी इधर गटर में नहीं है, गंदा इतना गंदा था जी, लोग बहुत परेशान हुए है। अब बताओ कैसे करें, बताओ क्या हम मरा है यहाँ, गटर का पानी पी लेंगे फिर तो ना दे तो अच्छा ही है जी, है ना? तो मैडम इसका कुछ तो समाधान करो, ठीक है ना? पार्षद कहते हैं यहाँ के कि अपने अपने आप साफ करा लो, अगर अपने आप साफ कराना है तो नगर निगम को टैक्स किस बात का दे रही है जनता? ये एक गुरुदेव का जो एक आश्रम है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो, इन गलियों में कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। ये पार्षदों के तो बस्ते जमा हो गए लेकिन यहाँ पे पार्षद चुने नहीं जा रहे हैं, इसलिए सदन के अंदर बैठक नहीं होती है और अधिकारी जो है वो अपने मन माफी ठेकेदारों को टेंडर दे रहे हैं, उनके पास ढक्कन तक लगाने के लिए लोगों की ग्रीवेंसी सुनने तक का समय नहीं है, दुर्भाग्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है समाज सेवी और नेता यहाँ पर बोल रहे हैं और आम जनता की जो यहाँ पर गुहार है कि यहाँ पर मौत के खड्डे यहाँ पर भी मौजूद है, हर जगह अगर देखा जाए गुरुग्राम की यही स्थिति है। और जिस तरीके से अभी डावर साहब ने बोला कि अगर यहाँ पर कल तक ढक्कन नहीं लगता तो वह स्वयं अपने निजी कोष से क्यों ना लगाना पड़े, यहाँ पर ढक्कन का प्रबंध किया जाएगा। बट आपसे भी अनुरोध है कि अगर गुरुग्राम में कोई समस्याएं हैं तो आवाज आप ही को उठानी होगी, क्योंकि सरकार सोई हुई है, उसको जागने का बिल्कुल मन नहीं है, कुंभकर्णी नींद उसकी आंखों में है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे जनता का भला हो। बट आपसे अनुरोध है कि ऐसी खबरें, तमाम खबरें जो है जरूर शेयर कीजिए, जरूर उनके ऊपर कमेंट कीजिए, क्योंकि वायरल सच हमेशा जो है जनता की आवाज उठाने के लिए तत्पर रहता है।